हेलो फ्रेंड्स, जिके नुडिया चैनल रे आपन को स्वागत। फ्रेंड्स, आज रही वीडियो रे मु आपन पै नै आसी जे ग्रीष्मकालीन संध्या उपर एक सुंदर रचना। तबे ता पूर्व जे चैनल को सब्सक्राइब करना ते सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखर आसुता बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु। तबे चालंतु आरंभ करिवा उपक्रम। ग्रीष्मकालीन दिवाघर झांजी खरा गुळुगुळी एवं असह्य रौद्रताप सत्वे संध्या बेस उपभोग्य होइथाय। संध्या समय रे नथाय दिवसर असह्य यंत्रणा किंबा मध्याह्न खरार उत्ताप, नथाए मरीचिकार भीति, बरं थाए मंद समीकरणर तृप्ति। वर्णना पोषाक। अत्यधिक गरम जोगु नर नारी बालक बालिका सीमित पोषाक परिधान करते। वृद्धगण आद्र परिधेय को सुख मणति। अधिकांश लोक ओदा गामुछा कांधरे पकाई थांति। ओदा गामुछारे बारंबार मुह हाथ देह पोछन्ति। ग्राम्य नारी छिन्न वस्त्र परिधान करिबाकु सुख मणति। अधिकांश लोक बेसी समय ओदा पोशाक व्यवहार करने को पसंद करते। स्थान संध्या समय रे नदी पुष्करणी और केनाल कूल लोकारण्य हुए। पिलामाने कूल उपर दंडायमान होई पानी भितर को डियंती। सेमानंक पाटीतुंडरे नदी पुष्करणी बा केनाल कूल फाटी पड़े। आद्रवस्त परिहिता ग्राम्य ललना भरा कलसी काखरे धरी मंथर गति रे गृहाभिमुखी होता है। ओदा जुड़ुबुड़ु होई किंबा उल्लग्न होई अबुझा शिशु माँ पछे पछे आसुथाए। बुढ़ा बुढ़ी युवक युवती माने मध्ये संध्या बेले पानी रे बारंबार स्नान करती। विशेषतः बुढ़ा बुढ़ी माने पानी भितरे बेक पर्यंत बुड़ाई रखी मुंडरे पानी छिंचु थांती। स्नान समापन पई जलघाट रे विशेष जनसमागम हुए। हस खुशी रो आसर जन्मे। ग्रीष्मकालीन संध्या स्नान मनरे अफुरंत आनंद जात कराए। शीतल जलस्पर्शरे तनु मन पुलकित हुए। पानीय जल संग्रह। संध्या जतिकी घने आसे पानीय जल संग्रह करिबा पई कूप जलाशय नदी और केनाल सेतिकी लोकारण्य हुए। कूप और नलकूप पाखरे गरा बाल्टी किंबा माठिया धरी स्त्री लोक माने लंबा धाड़ी बांधती। केउटी धस्ताधस्ती मध्य हुए। जल संग्रह करिबारे कहार असुविधा हेले पाटीतुंड और कलिगजिया करिबाकु सेमाने आगबर हुवंती। बहु दूर दूरांतरु मध्य पानीय जल संग्रह करी संध्या बेले नर नारी फेरु थांती। भरा कलशीर चहला पाणी अंगवल्लरी रे निपतित होई ग्राम्य किशोरी मानकु सतेज परी चहलाई दिए। संध्या बेले थंडा पानीय पई दुकान मानकरे भिड़ जमे। पैड़ सर्बत और थंडा पानीय दुकान मानकरे खूब भिड़ होइथाए। किए आखु रस पिए तो किए पैड़ पाणी, किए सर्बत पीबाकु इच्छा करे तो किए थंडा पानीय। बिचरा दोकानी संध्या बेल बेस दि पैसा रोजगार हुए। सांध्य भ्रमण। ग्रीष्मकालीन सांध्य भ्रमण बेस उपभोग्य। नदी ह्रद किंबा समुद्रकूल जनार्जीन हुए। शीतल समीकरण तनु मन को पुलकित और शीतल कराए। प्रकृतिर सुषमा भितर दिवसर क्लांति जंत्रणा मनरु कुआडे पासरी जाए। अवस्था संपन्न लोक मैंने बेकर मल्ली चंपकमाला पकाई भ्रमण करती। युवतीगण मध्य पुष्पगुच्छरे गभाकु सजाई सांध्य परिवेश उपभोग करती। केही केही चंदन चर्चित कलेबररे संध्या भ्रमण करती। आउ केही केही संध्या भ्रमण नकरी निज घर आगरे बा अगणारे खट चौकी पकाई बसंती। सेमाने नाना प्रकार आलाप आलोचना करी संध्या समयटी अतिवाहित करती। नवदंपति हर्षोत्फुल्लित चित्तरे संध्या भ्रमण करती। दुकान बजार। यही समय रे दुकान बजार मानकरे बहु भिड़ हुए। परियापत्र चढ़ा दर रे बिक्री हुए। गरीब लोक माने हाट बजाररु पनीपरिबा धरी घर को फेरंती। सावित्री अमावस्या और रज उत्सवर दुई चार दिन पूर्वरु दुकान बजार बेस भिड़ हुए। पर्वपर्वाणीर आनंद उत्कंठा जोगु तापजनित क्लांति सेमानंक मनरु कुआडे पासरी जाए। बारंबार बिजुली काट जोगु लोक माने किरोसिन पई दुकान एवं कंट्रोल दुकान आगे संध्या बेले लंबा धाड़ी बांधती। सेमानंक मध्यरु बच्चसारे धस्ताधस्ती पर्यंत जाए। एही भिड़ और गहली सांध्य परिवेश को कोलाहलमय करिथाए। काम धंदा संध्या पर्यंत कृषकगण कार्यव्यस्त थांती। अपराह्न महलण पड़ा ठारु सेमाने कृषि क्षेत्र में विभिन्न कर्म करती। केही सगड़े जमीरे खत लगाए तो केही मुंडरे खत बोही बिलरे लगाती। केही केही बिल मरामती कामरे
ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ମୁଲିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥାଆନ୍ତି। ଫୁଲ, ମଲ୍ଲି, ଚମ୍ପକ, ଚୁଇ ଓ ମଧୁମାଳତୀର ସୌରଭ ସାନ୍ଧ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ମଧୁମୟ କରିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସନ ହେଲେ ଏହିସବୁ ଫୁଲର ମହକ ଛୁଟେ। ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁରଭିତ ସମୀରଣ ମନକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଦିଏ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଅନେକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଶ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। କେଉଁଠାରେ ପାଲା ତ କେଉଁଠାରେ ଦାସକାଠିଆ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମରେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରାମ ମଣ୍ଡପରେ ପୁରାଣ ପାଠ ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ଈଶ୍ୱରପ୍ରେମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଗଣ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ କେତେବେଳେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରଜ ଏବଂ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପ୍ରଭୃତି ପର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ପରିବେଶ ବେଶ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ସାତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଦାସକାଠିଆ ରାମଲୀଳା ଦର୍ଶନ ଶ୍ରବଣରେ ମନୋନିବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ନବଯୁବକ ଯୁବତୀଗଣ ସିନେମା ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ଉପସଂହାର, ଦିବାଭାଗର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପଲ୍ଲୀ ପରିବେଶ ବିଭିନ୍ନ ନାଚତାମସାରେ ମଧୁମେହ ହୁଏ। ସୁରଭିତ ମୃଦୁ ସମୀରଣର ସ୍ପର୍ଶ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣରେ ଯେ ଅପୂର୍ବ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଶ ଉପଭୋଗ୍ୟ।